हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आज हरियाणा पुलिस की भर्ती पर जो केस हुए हैं, दो केस, उन केसों की सुनवाई है कोर्ट में। तो आज क्या हो सकता है और किस कोर्ट में सुनवाई होगी, कितना सीरियल नंबर है, क्या आज हमारा कुछ फैसला आ सकता है, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऐप जो आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, वहाँ मैं एक एजुकेटर हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हर रोज़ करंट अफेयर की वीडियो मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और अभी डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस के बारे में कि हरियाणा पुलिस का जो कोर्ट केस में सुनवाई है उसका क्या फैसला आ सकता है। तो पहले मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं अभी कि सर, किस कोर्ट में सुनवाई है और कितना सीरियल नंबर है, क्या केस नंबर है, ताकि हम खुद चेक कर सकें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस कोर्ट में सुनवाई है। तो कोर्ट नंबर 9 में सुनवाई होने वाली है आज हरियाणा पुलिस की, ठीक है। हरियाणा पुलिस की कोर्ट नंबर 9 में सुनवाई होगी। होनेबल मिस्टर जस्टिस AB चौधरी और होनेबल मिस्टर जस्टिस कुलदीप सिंह सुनवाई करेंगे, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि फिर कोर्ट का हमारा केस नंबर क्या है। तो केस नंबर आप यहां पे देख सकते हैं, CWP 10792, दीपक एंड अदर ने केस किया है, GS गोपेरा इनकी साथ है। और दूसरा केस हमारा CWP 11963 है, प्रिंस एंड अनदर का केस है ये, और दीपक शर्मा इनके साथ है। दोस्तों, ये हमारा जो कोर्ट नंबर 9 में सुनवाई होनी है, 225 नंबर और 226 नंबर दोनों साथ में ही हैं और साधारण तरीके से सुनवाई होगी, यानी कि अर्जेंट में हियरिंग नहीं हो रही, ये नॉर्मल तरीके से हियरिंग हो रही है। तो अब आप जैसे 10 बजे कोर्ट शुरू होता है तो डिस्प्ले वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको कोर्ट नंबर 9 में जाना है। तो वहाँ पर आपको डिटेल बताता रहेगा कि उस कोर्ट का अभी तक क्या क्या स्टेटस है। और दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि आज क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आज कोई ना कोई फैसला आ सकता है, कई क्योंकि पिछली बार जो सुनवाई थी 24 अगस्त को, उसमें एक जो फाइल दी गई थी रिटर्न में कोर्ट में पेश की गई थी, तो वो दूसरे वकीलों ने, जो अपोजिट के वकील हैं, उन्होंने पढ़ने के लिए टाइम मांगा था, इसलिए ये 6 अगस्त रखी गई थी। अब उन्होंने पढ़ ली उस फाइल को, अब देखते हैं उस फाइल को पढ़कर उनका माइंड सेट कहाँ पर सेट होता है और कोर्ट का माइंड सेट कहाँ पर सेट होता है। तो उम्मीद तो यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे लिए खुशखबरी शाम तक आ सकती है। दोस्तों, जैसे ही सुनवाई हो जाती है तो मैं आपको फैसला सुना दूंगा, जो भी फैसला आपको जो कोर्ट है वो हमारे सुनाई देगा, बताएगा। तो वो अपडेट भी आपको शाम तक 100% सबसे पहले अपने चैनल पर मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सारी डिटेल प्राप्त करना चाहते हैं ताकि शाम को आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।